राजस्थान में जारी सियासी संग्राम के बीच बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ दायर याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच करने गई SIT को लीड करने मुंबई गए बिहार के IPS विनय तिवारी को जबरन क्वारंटाइन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणी की थी। इसके बावजूद BMC की ओर से IPS को क्वारंटाइन मुक्त नहीं करने पर बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट करते हुए अफसोस जताया है। AIM PLB और OVC पर शिकायत दर्ज, रामलला के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने का आरोप। दिल्ली पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में हिंदू सेना ने कहा कि OVC और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रामलला उनकी संपत्ति, हिंदू समुदाय और पूजा स्थल के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आने के बाद यहां सब कुछ सामान्य करने की तैयारी जारी है। इस बीच दिल्ली में बसों से सफर करने वाले लाखों यात्रियों को राहत देते हुए दिल्ली परिवहन निगम ने बुधवार को बस सेवा सामान्य कर दी है। अब पहले की तरह दिल्ली में देर रात तक बसें चलेंगी। फिलहाल बसों में यात्रियों की संख्या सीमित ही रहेगी, यानी चालक कंडक्टर को छोड़कर सिर्फ 18 लोग ही सफर कर सकेंगे। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य TN प्रतापन ने राम मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन के संदर्भ में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया पर आपत्ति जताते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि कांग्रेस अति धार्मिक राष्ट्रवाद के पीछे नहीं भाग सकती। केरल के त्रिशूर से सांसद ने यह भी कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा राम मंदिर को लेकर जो रुख अपनाया गया है वो स्वीकार्य है, क्योंकि उन्होंने एकता की बात की। उत्तर प्रदेश में बुधवार को COVID-19 के 4,000 से ज्यादा अधिक नए मामले सामने आए, जबकि 40 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 1857 हो गई है। चीन ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की है, जिसे भारत ने एक बार फिर दृढ़ता से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने UNSC में चीन की ओर से जम्मू कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश पर कहा कि हमारे आंतरिक मामलों में चीन के हस्तक्षेप को हम दृढ़ता से खारिज करते हैं। RBI ने रेपो रेट को बरकरार रखा, गवर्नर दास ने कहा इस साल नेगेटिव ग्रोथ की संभावना। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक समाप्त हुई। गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि फिलहाल रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि हम इकोनॉमी में सुधार को लेकर आक्रामक रुख जारी रखेंगे। COVID-19 महामारी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सोना गिरवी रखकर लोन लेने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। RBI ने गोल्ड ज्वेलरी के बदले उसके मूल्य के 90% तक लोन देने की वाणिज्यिक बैंकों को मंजूरी दी है। मौजूदा नियमों के अनुसार गोल्ड ज्वेलरी पर बैंक उसके मूल्य के 75% तक ऋण दे सकते हैं। RBI ने अब यह सीमा बढ़ाकर 90% करने का फैसला किया है। RBI के इस फैसले का गोल्ड लोन देने वाली NBFC पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोरोना वायरस के कहर के बीच बाबा रामदेव की पतंजलि की कोरोनिल दवा की मार्केट में काफी मांग हो रही है। योग गुरु रामदेव का दावा है कि पतंजलि आयुर्वेद को COVID-19 की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली विवादित दवा कोरोनिल के लिए हर दिन 10 लाख पैकेट की मांग मिल रही है।